देखो जी, वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आएगा 100%, सिक्स मार्क्स का, यहीं से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है जी। वर्ड प्रॉब्लम भी तीन प्रकार की होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम एंड एलोकेशन प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है जी। सबसे पहले हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, ये इसी पे बेस्ड है। और मिसलेनियस का 10, ठीक है। तो ये भी हम आज कंप्लीट कर देंगे, 3, 4, 5, 6, 7 मिसलेनियस का 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, सिस्टम से पढ़ेंगे मार नहीं खाएंगे, नहीं पढ़ेंगे सिस्टम तो मार जरूर खाएंगे। करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रोडक्शन बेस्ड ही है, ठीक है जी। प्रोडक्शन इसमें केक्स की होगी, सारे क्वेश्चनों में एक ही बात होती है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी जाएगी और रिलेटेड चीजों को यूज करना है उसी हिसाब। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम से चलो कोई मार नहीं है, 6 नंबर फ्री के हैं ये, ठीक है जी। द वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, फ्लोर यानी आटा, फैट जो उसको फुलाता है, ठीक है जी, जो मोटा करता है। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम अ फ्लोर 5 kg of flour and 1 kg of assuming that there is no shortage of other ingredients used in make the cakes. इसमें जो maximize करना है number of cakes को करना है, ठीक है जी, maximize को करना है number of cakes को। तो हमारा main option क्या है कि आप cake number of cakes maximize करना चाहते हैं, तो इसमें लिखेंगे let the number of cake of type 1 इज इक्वल टू एक्स नंबर, टाइप वन वाले एक्स नंबर बना रहे हैं और टाइप टू वाले वाई नंबर बना रहे हैं, right? इनको मैक्सिमाइज करना है, इनको क्या करना है मैक्सिमाइज। दो चीजें हमारे पास, फ्लोर एंड फैट, इनकी इक्वेशन बन जाएंगी, right? फ्लोर 200 ग्राम फ्लोर लगता है टाइप वन में और टाइप टू में लगता है 100 ग्राम फ्लोर, यानी एक केक में 200 ग्राम तो x केक में कितने हो जाएंगे 200 इंटू एक्स करेंगे तो उनके ग्राम आ जाएंगे, और दूसरे में लगता है 100, और y नंबर ऑफ केक में कितने हो जाएंगे y। मैक्सिमम हमारे पास 5 किलो आटा अवेलेबल है, ठीक है ना, 5 किलो फ्लोर अवेलेबल है, तो यानी लेस देन इक्वल टू 5000 kg। रीजन ये भी किसमें है आपका, ग्राम्स में, तो उसको भी ग्राम में लेके आएंगे तो 5000 ग्राम्स हो जाएगा, सॉरी एक किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। फैट की बारी आ रही थी, फैट कितना चाहिए, 25 ग्राम पहले वाले में, 50 ग्राम दूसरे वाले में, एक में 25 तो x में 25x, ठीक है जी, एक में 50 तो y में कितना हो गया 50, कितना फैट अवेलेबल है ये हमारे पास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 kg, 1 kg यानी 1000 ग्राम। अब ग्रेटर देन तो लिख नहीं सकते भाई, इससे या इससे कम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट कर दो इक्वेशन को, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2x plus y less than 50,
ये 25 से कट जाएगा सारा, x प्लस टू वाई लेस देन 40। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, जैसे पीछे पढ़ के आए वैसे ही क्वेश्चन है। इनमें x को जीरो रखो y आ जाएगा, y को जीरो रखो x आ जाएगा। ठीक है जी, सिचुएशन को समझो, इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0 है, y की 50। ठीक है जी, x की वैल्यू 0 है तो y ही होगी लाइन आपकी 2x प्लस y इक्वल टू 50। x की 0 है तो y की 20। ठीक है जी, दोनों का शेड नीचे गिर रहा है, ऑब्वियस है ये हमारा फैजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा जहां पर दोनों के शेड मिल जाएंगे। ये हो गया 0 0, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओ 0 0, ए स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा 0 20, एंड सी आ जाएगा 20 एंड 0। बी इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है जी, इनको सॉल्व कर लेंगे आपस। टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। लो 3x इज इक्वल टू 60, x हो गया 20, x 20 रख दो तो y हो गया 10। यानी सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होके निकल कर आ गए। अब देख लो जी पुट करके, z इज इक्वल टू x प्लस वाई मैक्सिमम नंबर, ओ में तो वैसे कुछ निकलना नहीं होता, फिर भी रख दो कोई बात। ए 0 प्लस 20, बी ऑप्शन में बी प्लस 0, और सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है 30। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक इज 30 एट x इज इक्वल टू 20 फर्स्ट टाइप and y is equal to 10 second time। question number 2 bhi hoga, ye bhi manufacturing mein hi aata hai। pause the video and copy the answer। theek hai ji, अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री फंड के नंबर हैं। अभी तक आपने इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स किए हैं,
ठीक है जी, चले आगे भाई। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, अभी फटाफट सारे क्वेश्चन निपट जाने। क्वेश्चन नंबर थ्री, सारा खेल पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, यही कहानी है जो बार बार आपके सामने आनी। क्वेश्चन नंबर थ्री, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या क्या बनता है? टेनिस रैकेट एंड बैट्स, ठीक है जी। उनको बनाया जाता है मशीन के द्वारा एंड क्राफ्टमैन उस पर काम करते हैं, ठीक है जी। तो 42 ज्यादा से ज्यादा मशीनें ज्यादा से ज्यादा 42 आवर्स का काम कर सकती हैं और वर्कर्स 24 आवर्स तक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रैकेट, अब वो कहना क्या चाहते हैं कि कैसे बनाया जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। इसमें मुद्दा क्या, क्वेश्चन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमाइज। उसके लिए प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट द नंबर्स ऑफ टेनिस रैकेट मैन्युफैक्चर, एक्स नंबर्स बैट्स, वाई नंबर, ये बनेंगे तो आगे प्रॉफिट वगैरह होगा ना। मेन इनका एम है प्रॉफिट कमाना। प्राइम फंक्शन क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है? 20 रुपए रैकेट पे और 10 रुपए बैट पे। तो 20 रुपए रैकेट पे, तो एक्स रैकेट पे कितना हो गया? 20x। 10 रुपए बैट पे, तो इस पे कितना हो गया? 10y। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। काम कैसे होता है? मशीन के द्वारा, ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, एंड क्राफ्टमैन के द्वारा। इन पे कॉन्सेंट्रेट करो। मशीन का टाइम कैसे कैसे लगता है? मशीन 1.5 आवर्स लेती है रैकेट के लिए एंड 3 आवर्स लेती है क्रिकेट बैट के लिए। तो 1.5 एक्स रैकेट के लिए एक्स हो गया, और 3 घंटे एक बैट के लिए, तो वाई के लिए कितना टाइम हो गया? 3y। ज्यादा से ज्यादा 42 आवर्स, इससे ज्यादा काम नहीं करेगी क्योंकि मशीनों की अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं होती। दूसरा क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन जो उसकी तारे वारे खिलते हैं, उसके हैंडल को ठीक रखते हैं, 3 घंटे क्राफ्टमैन के उसमें लगते हैं और 1 घंटा बैट में लगता है। 3 घंटे, अब टेनिस रैकेट में तो ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें तारों को बुनना निकालना, और इस पे 1 घंटा क्योंकि हैंडल पे ही सिर्फ उन्होंने रस्सी चढ़ानी होती है, तो इस पे लगा 1 घंटा। ये ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। लो जी, इसको सिंप्लीफाई कर लो। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ईजी हो जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब इनको आपस में माइनस 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 कट गया, जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर लो, 60y आ गया 12, x आ जाएगा 8। x क्या आ गया? 8। ये इनका इंटरसेक्शन मैंने पहले ही निकाल, xy, x को 0 रखो, y आ जाएगा 14, y को 0 रखो, ये आ जाएगा 20। x को 0 रखो, y आ जाएगा 24, y को 0 रखो, x आ जाएगा। ग्राफ बनाएंगे, देखा जाए तो किस में चल रहा है? 4 4 के मल्टीपल में ले लेते हैं, 4 8 12 16। x की वैल्यू 0 है तो y की 14 पर और इसकी 20। लाइन है ये 1.5x 3y इज इक्वल टू 42। x की वैल्यू 0 है तो y की 20, ठीक है जी।
दोनों का शेड नीचे गिर रहा है, ये इनका पैसिबल सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 14, इसे दे दो ए नाम, इसे ओ, इसे सी, और बीच वाले को बी, बी को मैंने पहले ही निकाल लिया था 12 8 एंड 12, सी हो गया 8 0, ठीक है जी। प्राइम फंक्शन उठाओ जिसके लिए हम इतना काम कर रहे हैं, पहले ओ रखो, ओ से तो खैर कुछ नहीं मिलना, 0 0 है, ए एक्स की वैल्यू 0, वाई की 40, ठीक है। सी पर मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, 280 लिखेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट इज रुपीज 280 इफ वी मैन्युफैक्चर्ड एक्स इज इक्वल टू 8, दैट इज कॉल्ड टेनिस रैकेट, एंड वाई इज इक्वल दैट इज 12 bats। अगर हम ऐसे प्रोडक्शन करेंगे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है जी। करो जी नोट, आप इतने मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, एग्जांपल्स भी देख लेना, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। यही कहानी बार बार आनी है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जी, कितने यूनिट्स बनाए किसी भी चीज के कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, सारा खेल तो प्रॉफिट का ही है, प्रॉफिट को ही सब मैक्सिमम करना चाहते हैं। कीजिए नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Again repeat, request you pause the video and copy the answer. ऐसे खत्म नहीं हो पाता, सब कुछ करना पड़ता है। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें नट्स एंड बोल्ट्स बना रहे हैं, लेट नंबर ऑफ पैकेजेस of nuts of bolts, x number of packages, y number of, सीधी सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट तो चाहिए, कहता कैसे बनाएं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट होता कैसे जी, नट के पैकेज में बचते हैं 17 rupees 50 paise और बोल्ट के पैकेज में बचते हैं 7 rupees, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब बनेंगे तो किससे, मशीनों से, काम तो मशीनों ने करना है ना, उनकी हेल्प मशीन ए, ठीक है, एंड मशीन बी, काम तो मशीनों ने करना है ना जी, मशीन बी, ठीक है जी। 3 hours 1 hour लगता है, पहले मशीन ए पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहले वाले में उसको 1 घंटा लगता है, दूसरे वाले में 3 घंटे लगते हैं, यानी नट बनाने में उसको 1 घंटे का टाइम लगता है और बोल्ट बनाने में 3 घंटे का टाइम लगता है, यानी 1x into 3y, ठीक है जी। दूसरी मशीन पे आ जाओ, दूसरी मशीन 3 घंटे पहले वाले में लेती है, 2 1 घंटा बाद वाले में लेती है, यानी 3x
इंटू वन वाई, एक घंटा नट के लिए, तीन घंटे बोल्ट के लिए, तीन घंटा नट के लिए, एक घंटा बोल्ट के लिए। अब इनके पास टाइम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अवेलेबल है, कोई 12 घंटे से ज्यादा एटमोस्ट लिखा है, मैक्सिमम 12 आवर्स तक काम कर सकती, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो हमें साइन किसका लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू। भाई मशीन की लिमिट होती है, जो बंदा काम कर रहा है उसकी भी अपनी लिमिट है, तो इसमें लेस देन इक्वल का ही साइन आएगा। लो x की वैल्यू जीरो रख दो, y आ जाएगा 4, y को जीरो रख दो, x को जीरो रखो, y आ जाएगा 12, y को जीरो रखो, x आ जाएगा 4। ठीक है जी, लो जी ग्राफ बना देते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की 4, ठीक है जी। ठीक है जी, दोनों का शेड नीचे कर रहा है, ऑब्वियस है जो प्रोडक्शन है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसमें x और y तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे ही। ये आ गया O, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। A क्या है 04, A एक आध पॉइंट निकालना पड़ता, बाकी सब तो नजर आ रहे थे 40। O हो गया आपका 00। A हो गया 04, C हो गया 40, B को हमें निकालना पड़ेगा जो कि इनके इंटरसेक्शन से लिखेंगे, B is on intersection, B is on intersection, तो x plus थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, y कितना आ गया 3, तो x कितना आ जाएगा 3 रखा 9, x भी कितना आ गया 3। लो जी, तो b पॉइंट भी हो गया 3 3। लो जी z है हमारा 17.50x7y। अब 0 0 में क्या मिलना है, कुछ नहीं, a पॉइंट है आपका 04, B क्या पॉइंट है 3 3। ₹52.50 ₹73.50 ZC तो देखा जाए ऑप्शन बी, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन वी प्रोड्यूस एक्स इज इक्वल टू 3 पैकेज ऑफ नट्स, पैकेज ऑफ बोल्ट। जब ये वाले ऑप्शन यूज करेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आई होप समझ में आ गया होगा। फिफ्थ करेंगे,
बस ये देखना कि मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम आपका दिमाग अच्छे से खोल देंगे, बाकी आप कोई भी बुक रेफर कर लीजिए, क्वेश्चन सारे क्लियर थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम वही मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू ए एंड बी, यूज टू टाइप ऑफ मशीन, ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, टेक 4 मिनट ऑफ ऑटोमेटिक, 6 मिनट ऑफ हैंड ऑपरेटेड, 6 मिनट ऑफ ऑटोमेटिक, 3 मिनट्स ऑफ हैंड ऑपरेटेड, पैकेज ऑफ स्क्रू बी, ईच मशीन एट मोस्ट 4 आवर्स एनी डे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही अवेलेबल है। द मैन्युफैक्चर कैन सेल पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹7 एंड ₹10 ऑन बी, कहता वही चक्कर है सारा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेट नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एंड स्क्रू बी, एक्स नंबर ऑफ पैकेजेस बनाए, वाई नंबर ऑफ पैकेजेस बनाए, प्रॉफिट मिलता है हमें, सारा खेल तो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो कहां जाएंगे। ₹7 ए वाले पर तो एक्स पर कितना मिल जाएगा 7x और वाई पर 10। मशीन ऑटोमेटिक है, देखो यहां वाला मिनट में दिया हुआ और वैसे आर्स में बताया हुआ, तो आर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑटोमेटिक 4 मिनट चाहिए उसको टाइप ए स्क्रू के लिए, और टाइप स्क्रू बी के लिए कितने चाहिए 6 मिनट, यानी 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये भी मिनट्स में है ना, इसको मिनट्स में लाना पड़ेगा। ऐसे ही हैंड ऑपरेटेड के लिए 6 मिनट उसके लिए और 3 मिनट उसके लिए, ये भी ज्यादा से ज्यादा 200 आपस में, इनको एक्स को 0 रखा, वाई आ गया, वाई को 0 रखा, एक्स आ गया, एक्स को 0 रखा, वाई आ गया, वाई को 0 रखा, एक्स आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 20, 40, 60 की वैल्यू 0 है तो y की 40, 56। ठीक है जी, दूसरी लाइन लो जी,
ठीक है जी, दोनों का शेड नीचे करेगा, गिरने दो जी, ओ ए बी सी, 0 0 0 40 T 40 0, बी निकाल लेते हैं, टी निकाल लेते हैं, ओ हो गया 0 0, ए हो गया 0 40, बी इंटरसेक्शन पे है और सी हो गया 40 0, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे वाले से, माइनस 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 कट गया, एक्स आ गया 60, तो वाई क्या आ जाएगा 0, ये पॉइंट आ गया 60 एंड 0, दो सॉरी गलती हो गया, एक्स आ गया 1.2, बारह है, 2 से करा तो ये भी तो 12 आएगा ना, x आ गया 30, पुट कर देते हैं तो y आ जाएगा 20, पॉइंट तैयार हो गए 30 एंड 20, बस आगे तो आपको पता ही है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसमें इसको रिप्लेस कर। ए के लिए हमने यूज किया 0 40, इसके लिए यूज करेंगे 30, सी तो 410 इज मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 30 एंड वाई इज इक्वल टू 20। Packages of screw A or screw B. Even ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। The question number manufacturing के इतने सारे क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप दिमाग सेट हो जाता है। करो जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Again repeat, pause the video and copy the answer.
छह नंबर है, ध्यान से वो कितनी मेहनत नहीं है। लोग तो जाते ही पहले लिख रहे प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करते हैं कि हाय फट से 6 मार्क्स ये तो कवर करें, इसमें इतना दिमाग नहीं लगता, वही बार बार चीजें रिपीट हो। 6 में देखो नंबर ऑफ पेडेस्टल लैंप, पेडेस्टल लैंप समझते हो, ऐसे डंडे पे खड़े होते हैं जैसे ऊपर आप देखें लगे होते हैं होटल्स में, ठीक है ना, पेडेस्टल लैंप बनाते हैं। और क्या बनाते हैं ये वुडन शेड्स। अब ये बनाते हैं तो प्रॉफिट तो कमाना ही चाहते होंगे, वुडन शेड में हमेशा ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट पे ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, वुडन शेड बनाते हैं, एक पे बचते हैं 5 रुपए, दूसरे पे बचते हैं 3 रुपए, ठीक है ना, तो प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने को कह रहा है। तो प्राइम फंक्शन हो गया, एक पे बचे 5 तो एक्स पे बचे 5, एक पे बचे 3 तो वाई पे बचे 3 वाई। अब बनते कैसे हैं जी ये, स्प्रे करना पड़ता है ठीक है ना, और ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन यूज करनी पड़ती है। अब ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर, अब इनकी इक्वेशन होगी, ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन कितना कितना टाइम लेती है दोनों पे लेके आएंगे जी। ठीक है जी, 2 घंटे उसके लगते हैं और 1 घंटा दूसरे पे लगता है, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के लिए अवेलेबल है। 2x + y < 12। और जो स्प्रेयर है जैसे पेंट वगैरह होता है, 3 घंटे लगते हैं पेडेस्टल लैंप पर और 2 घंटे लगते हैं वुडन शेड पर। 3x + 2y ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे के लिए अवेलेबल, इन्हीं से बनना है और तो कोई तरीका है ही नहीं। एक्स को 0 रखा वाई आ गया, वाई को 0 रखा एक्स आ गया। एक्स को 0 रखा वाई आ गया, वाई को 0 रखा एक्स आ गया। 20/3 यानी 6.7। तो ग्राफ ऊपर बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 2 4 6 8 एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 12। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 10 और इसकी 6.7। दोनों का शेड नीचे गिरेगा, ऑब्वियस है यहीं पे आएगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन कर डाले आप तो किसी को पढ़ा सकते हो, ये वाला चैप्टर आप, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये ए, ये बी निकालना पड़ेगा, सी आपका हो गया 6.0। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी 2x + y = 12, 2 से मल्टीप्लाई, x = 4, y भी क्या हो जाएगा 4, y भी क्या हो जाएगा 4, बराबर बराबर ही बचेगा। ठीक है जी, करो z = 5x + 3y, x हो गया o रखो पहले तो, फिर a रखो। देखो जी o है हमारा 0 0, a है हमारा 0 10, बी हमारा है 4 4, सी हमारा है 6 0। देखो किस पे बेस्ट ऑप्शन मिल गया, ए। इसी पे ज्यादातर इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। कुछ इसके बना लो, कुछ उसके, लो जी मैक्सिमम प्रॉफिट एट x = 4 एंड y = 4। x पेडेस्टल लैंप,
एंड वाई फोर वुडन शेड्स, तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम, तभी हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम। ठीक है जी, कीजिए पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, चलो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉवल्टी सोवेनर्स बनाते हैं। नॉवल्टी सोवेनर्स क्या होते हैं? जैसे कोई जीतता है जैसे कि आप देखते हो ना मैच में कोई जीता उसे शील्ड मिलती है, किसी को ट्रॉफी मिलती है, ये सब नॉवल्टी सोवेनर्स होते हैं, यादों याद रखने के सोवेनर्स होते हैं। ठीक है जी, लेट द नंबर ऑफ नॉवल्टी सोवेनर्स टाइप ए टाइप बी। अब जो बना रहा है कंपनी उसका एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। 5 रुपए ए में बचते हैं, 6 रुपए बी में बचते हैं, जिसको कि वो ऑब्वियस है मैक्सिमाइज करना चाहेगा। ठीक है जी, अब ये बनते किससे हैं जी? एक तो कटिंग करनी पड़ती है, फिर असेंबलिंग करनी पड़ती है, कटिंग एंड देन असेंबलिंग। कटिंग में मिनट्स लगते हैं, पहले वाले में 5 मिनट और दूसरे वाले में 8 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 20 मिनट अवेलेबल है कटिंग के लिए। 5 मिनट, दूसरे में 8 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, 180+20 200 मिनट अवेलेबल है। असेंबलिंग के लिए पहले वाले में 10 मिनट लगते हैं, दूसरे वाले में 8 मिनट लगते हैं। 10 मिनट 8 मिनट लेस देन, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे अवेलेबल, 240। ठीक है जी, कहानी वही है जो बार बार आपके सामने आनी है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक्स को वैल्यू को जीरो रखा, वाई आ गया 25, वाई को जीरो रखो ये आ गया 40, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 30, वाई की 0, एक्स हो गया। ठीक है जी, ग्राफिकली प्लॉट करो इनको, पांच पांच का डिफरेंस, 15, 20, 25। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 25। एक्स की वैल्यू 0 है
तो वाई की 30 और इसकी 24, शेड नीचे करेगा, सब कुछ सिंपली सब नजर आ रहा होगा, ए हो गया 0 and 20, बी इंटरसेक्शन पर, और सी हो गया 25 and 50। बी इंटरसेक्शन सी होगा 25, बी निकाल लेते हैं, माइनस 5x, एक्स क्या हो गया 8, एक्स 8 हो गया, ये पॉइंट हो गया 8 and 20। बस देखो किसमें बेस्ट रिजल्ट आता, जेड इज इक्वल टू ए, बी पर वन सिक्सटी, सी पर 160 इज मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है जी, लिखना भी जरूर है ढंग से, तभी नंबर पूरे मिले। करो जी नोट, मिसलेनियस का 4th भी है और 10th भी है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग है। पढ़ने का तरीका होता है, तरीके से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो नोट, ठीक है जी। अब मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, तो आए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट में लगे मिसलेनियस, लेट
नंबर ऑफ टॉय ऑफ टाइप ए एक्स नंबर्स मैन्युफैक्चर्ड टाइप बी के वाई नंबर्स मैन्युफैक्चर्ड, एक पे 7.5 रुपये बचते हैं, एक पे 5 रुपये बचते हैं, तीन मशीनें काम कर रही हैं इसमें M1, M2, M3, बिल्कुल ब्रैकेट में सजा के दे रखा है उसने 12, इसमें ये लिखे हुए हैं मिनट्स, और हमें आगे क्या दे रखे हैं आवर्स, ठीक है ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 मिनट लेस देन इक्वल टू 360, 18 मिनट लेस देन इक्वल टू 360, 6 + 9 लेस देन 3, लो जी एक्स को 0 रखो, वाई आ गया 60, वाई को 0 रखो, इसमें तो स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, एक्स को 0 रखा वाई आ गया 40, वाई को 0 रखा एक्स आ गया 60, ये x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है जी, 10-10 के डिफरेंस में चलते हैं, 10 x की वैल्यू 0, y की 60, ठीक है जी, दूसरी आ जाएगी x की वैल्यू 20, दूसरी है x की वैल्यू 0, y की 40 और इसकी 60, ठीक है जी, शेड ध्यान से देखा जाए तो शेड यही बनना है, ठीक है ना, शेड नीचे की तरफ, क्योंकि सबके एरोज नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ही बनेगा, ओ ए हो गया 0, 40, इस पर दो इंटरसेक्शन है बी सी, डी हो गया 20, जो पॉइंट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 20 240, वाई कितना आ गया 20, बी पॉइंट हो गया 20 पर, लो जी सी एक्स इज इक्वल टू 20, सी में एक्स इज इक्वल टू 20 240, वाई भी दोनों वर्गो लाइन में जैसे सॉरी जो सी पॉइंट ये वाला हो गया, ये पॉइंट हो गया बी वाला, 6x + 9 वाई इक्वल टू 120, वाई हो गया 80/3, वाई हो गया 80/3
ये B पॉइंट है ना, गलत नहीं है ना, जो ये B पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन है। देखो मेरे से हो सकती है तो आपसे गलती हो सकती है, तो ध्यान से देखो। B ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 60 एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, दो से करोगे x भी 15 आ जाएगा y भी 15 आ जाएगा। देखो दोनों तो सेटल हो रहे हैं, 15 6 90 एक 15 आ गया, एक 15 और एक 30 है, सॉरी y 30 आ गया। लो अब इसको सेटल कर लो, मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 30। ठीक है करो नोट। अब करो फटाफट नोट, वैसे ही क्वेश्चन था, मिसलेनियस का टेंथ करेंगे। Pause the video and copy the answer. Look. I again request pause the video and copy the answer. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है टेंथ, इस पे सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले सिमट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस, दो टाइप की डॉल बनाते हैं, ठीक है, टाइप ए टाइप बी, एक्स नंबर्स वाई नंबर्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट ही कमाना चाहेंगे, प्रॉफिट मिलता है एक पे 12 रुपए दूसरे पे 16 रुपए। अब जो प्रॉब्लम बताई है, ज्यादा से ज्यादा 1200 बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बन सकती है 1200, ठीक है, और जो टाइप बी की है वो एटमोस्ट हाफ, एटमोस्ट का मतलब होता है हमेशा लेस देन का साइन, वाई इज लेस देन इक्वल टू हाफ, इसकी डिमांड इतनी रहती है। नंबर 3 जो टाइप ए की है एटमोस्ट क्या लिखा ध्यान से देखो, ए कैन एक्सीड 3 times, इसकी प्रोडक्शन मुझे 3 times यानी इसकी प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सीड यानी ज्यादा है एट मोस्ट 600,
एट मोस्ट का मतलब फिर क्या आ गया, लेस देन, फिर क्या आ गया, लेस देन, ठीक है जी। बाकी तो वही है, अच्छे से इस क्वेश्चन की स्टडी करना, x की वैल्यू 0, y की 1200, ये भी हो गए 1200, ये तो सीधा ही सिचुएशन बन जाएगी x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, 2y, क्योंकि यहाँ y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट जाएगा, इसमें भी y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट जाएगा। अब हमें x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लानी होती, ठीक है, तो इसमें क्या करो, कुछ ऐसी सेटिंग करो कि गड़बड़ ना हो, जैसे कि इसको आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 600 प्लस 3y, मतलब नेगेटिव नहीं लाना, तो x की वैल्यू रखो, y से शुरू कर लेते हैं, y की अगर 0 रखेंगे तो x की कितनी बन जाएंगी, 600, अगर इसकी रखेंगे 200, y को 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता, इसकी रखेंगे 200, दो तीन इसकी बन जाएंगी 1200, ध्यान से देखा जाए तो वैसे ही कर लो, एक बार x को 0 रख लो y आ जाएगा, एक बार y को 0 रख लो x आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि फिर ये तो देखा जाएगा, नेगेटिव से निकाल लेंगे, पर शेड तो हमें पॉजिटिव में ही रखना पड़ता है, x की वैल्यू 0 रखो y आ गया माइनस 2, y को 0 रखो x आ गया 6, लो 200 के डिफरेंस पे ले लेते, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है जी। लो x की वैल्यू 0 है तो y की 1200, ये भी क्या होगी 1200, लो क्लियर, x की वैल्यू 0 है तो y की है माइनस 200 और ये कितनी है 600, और दूसरी वाली तो जाएगी ओरिजिन से, लो जी इसका शेड नीचे गिरेगा, इसका क्या है ग्रेटर, शेड क्या हो जाएगा लेस, इसका तो खैर गिर ही रहा है, ध्यान से देखो, अब जब इसको ये भी नेगेटिव में है तो अपोजिट में चला जाएगा शेड, इसका भी अपर आ जाएगा, तो यानी ये बन गया आपका शेड, दो लाइनें हैं जो वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव कंटेन कर रही हैं, उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे शेड, लिखेंगे एज एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स माइनस 3y लेस देन इक्वल 600 नॉट सेटिस्फाइंग ओरिजिन, therefore we shade in opposite direction, लो ये पॉइंट आ गया 0 0, ये a, ये b, ये c, लो ओ हो गया 0 0, a निकाल लेते हैं, x plus y is equal to 1200 and x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो जी माइनस करा 3y इज इक्वल टू 1200, y क्या हो गया 400, ये आ गया आपका a, b x माइनस 3y इज इक्वल टू 600 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1200,
y हो गया 150, y आ गया 150, तो x आ गया 105, ये पॉइंट भी बन गया, ठीक है जी। c पॉइंट हो गया 600। अब देख लो मैक्सिमम किस पे आता है, z, ये तो खैर 0-0 ही आना है, जेड ए, ए हमारा पॉइंट है 400, वाई 400 आ गया तो x हो गया 800, जेड बी, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 5900 एट एक्स इज इक्वल टू 800 एंड वाई इज इक्वल टू 4। यानी टाइप ए की $800 बनाओ और उसकी चार्ज, ठीक है जी, करो जी नोट। टाइप वन खत्म हो गया।